कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन लाइफ में। रिपोर्ट में बात हो रही है सोनाली फोगाट को लेकर। बता दें कि सोनाली फोगाट को लेकर इतनी जानकारियां लगातार एक के बाद एक सामने आ रही है, उनकी वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो, उनकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, या फिर अब उनके अननेचुरल डेथ को लेकर हो। क्योंकि यहाँ पर दावा ठोक दिया गया है उनके परिवार की तरफ से, उनके फैंस की तरफ से, कि अननेचुरल डेथ थी। लेकिन इस रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं उनकी लाइफ के कुछ पर्सनल किस्सों के बारे में। हमने अपनी खबर के अनुसार आपको एक किस्सा उनका वो भी बताया था कि जब उनके पति का निधन हुआ था 6 साल पहले, तो उसके बाद वो कहीं ना कहीं किसी शख्स से बहुत नजदीक आ गई थी, लेकिन उनके साथ भी उनका रिश्ता बीच में ही टूट गया, ब्रेकअप हो गया। लेकिन वहीं पर अब यहाँ पर खबर सामने आई कि जब वो बिग बॉस 14 में गई थी तो उस समय भी उनका नाम किसी के साथ जुड़ा था। जी हाँ, इतना कहने पर तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एलिगोनी की। एलिगोनी का नाम कहीं ना कहीं जैस्मिन भसीन के साथ भी जुड़ता हुआ नजर आया था, लेकिन सोनाली फोगाट के साथ जुड़ा और कहा जा रहा था कि सोनाली फोगाट बिग बॉस 14 में उनके नजदीक आ गई थी। अब इस वजह से बाहर बहुत सारे लोग उनको लेकर अलग अलग बातें यहाँ पर करते नजर आ रहे थे, काफी कुछ कहते नजर आ रहे थे। लेकिन एलिगोनी के बारे में हम अच्छे से आपको बताएंगे, लेकिन हमारी इस खबर का मोटिव ये है आपको बताने का कि यहाँ पर एक अंतिम इच्छा को लेकर खुलासा किया है एलिगोनी ने कि आखिरकार उनकी अंतिम इच्छा क्या रही यहाँ पर सोनाली फोगाट की जो अधूरी रहेगी, कौन सी इच्छा थी। पहले आपको बता देते हैं यहाँ पर कि उनका यहाँ पर सपना था कि उनकी बेटी कभी भी पॉलिटिक्स में ना जाए, वो एक्टिंग में जाए, क्योंकि वो डांस बहुत अच्छा करती है, वो एक्टिंग बहुत अच्छी करती है। तो मार्च में कहीं ना कहीं माँ और बेटी डेब्यू करने की सोच रहे थे, जो इच्छा अधूरी रह गई। वहीं पर सोनाली फोगाट ने कहा था कि मैं एक विधवा औरत हूँ और उसके साथ साथ मेरी बेटी है और मैं काफी कुछ यहाँ पर अपनी जिंदगी में खो चुकी हूँ। अगर ये सब मेरे साथ नहीं होता तो एलिगोनी को मैं प्रपोज करती, अपने प्यार का इजहार करती। तो ये सारी इच्छाएं उनकी कहीं ना कहीं अब अधूरी रह गई। तो आपका क्या कहना है यहाँ पर सोनाली फोगाट को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम लाइव।